तो गाइस आज हम अपनी बाइक की जो है चैन क्लीन कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं अभी काफ़ी कुछ क्लीन हो चुकी है। तो ये पार्ट जो है आपका हिस्सा ही रह जाता है, तो इसको जो आप ज़रूर से क्लीन कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने इतना डस्ट निकाला है, मैंने ये अभी 2 हफ्ते पहले भी मैंने अभी क्लीन की थी अपनी बाइक, और फिर भी मैं थोड़ा बहुत साफ़ किया है, और उसके बाद ये चीज़ भी आप साफ़ करना, ठीक है। ये देखो अभी एकदम पूरी चमक रही है, और मेरे हाथ की हालत अभी कुछ ऐसी हो रखी है देखो यहाँ पर, ठीक है। और अब आता हूँ मेन पॉइंट पर। तो ये बेसिक मेंटेनेंस है अपनी बाइक की, जो आप अपनी बाइक को घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ आपको जो है सर्विस सेंटर वाले नहीं करके देते, तो उसमें से एक मेन चीज़ होती है जो सर्विस सेंटर वाले मेरे को तब से नहीं करके देते, मैंने तब से इनको प्रॉब्लम बताई थी। तो जो NS 200 वाले ऑनर्स होंगे उनको यहाँ पर पता होगा कि ना यहाँ से ऑयल लीक, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑयल का जो मॉइस्चर होता है वो उड़ के ना यहाँ पर ऐसे चिपकता रहता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने क्लीन कर दिया है, और यार बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आ रही होगी तो उसको थोड़ा आप इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी मैंने माइक मुइक कुछ सेटअप नहीं लगाया, मेरा मन किया मैंने वीडियो बनानी है, तो मैंने लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है जो NS 200 ऑनर्स हैं उनके लिए, और अदर बाइकर्स हैं उनके लिए भी जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो मैं तभी ये वीडियो का बना रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक ना सील लगी हुई है, ये चीज़ आप देख सकते हैं छोटी सी। ये मैंने ट्राई किया था पहले कि ये वर्क करेगी नहीं करेगी, मैं फोकस कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्रॉपर। सो गाइज मतलब कि ये वर्क कर रही है अभी फ़िलहाल, तो मैं उसको आपको एक जो ट्यूब है उसका लास्ट में आपको मैं नाम बताऊँगा कि क्या ट्यूब का नाम है, और कहाँ से आपको परचेज़ करनी है, और कैसे आपको यूज़ करनी है, तो ये सब अब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको अपने लेग गार्ड ये ओपन कर देने हैं, ठीक है। लेग गार्ड अभी मैंने हटा दिया है, और हो सके तो ये वाला बोल्ट भी आपको रिमूव करना पड़ सकता है, अगर मैं अभी देख रहा हूँ इसको हटाकर, अगर ये रिमूव होगा तो ये हट इसको मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना है, इसको पेट्रोल से कर सकते हैं या डीजल से कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ना चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप जब वो क्रीम आती है उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए कुछ भी, एकदम प्रॉपर क्लीन सर्फेस होना चाहिए ये, और जो पहले का जो आपका ऑयल लीक हो रखा होगा वो भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं जो क्रीम है मेरे पास, ये आप कह सकते हैं ट्यूब टाइप है। सो ये रही गाइस वो ट्यूब, ठीक है, एनाबॉन्ड 660 मैक्स, ठीक है। यह है सिलिकॉन गैस्केट मार्कर, आप कह सकते हैं ये मतलब गैस्केट टाइप की होती है, ये रबड़ बेस टाइप बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाई थी तो ये रबड़ बेस टाइप बन गई थी, तो यहाँ से ना ऑयल लीक नहीं होता, बट यहाँ पर भी एक जो है पॉइंट है हल्का सा मेरा यहाँ पर, तो यहाँ से भी ऑयल लीक हो रहा था, हल्का हल्का सा आ रहा था, काफ़ी देर बाद आया, मतलब इससे तो जल्दी जल्दी आ रहा था, मतलब एक भाप टाइप का कह सकते हैं। मैंने ये सर्विस सेंटर में काफ़ी बार दिखा दिया बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे, तो फाइनली मुझे एक भैया थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक एनाबॉन्ड के नाम की ट्यूब होती है ये आपको, ठीक है, इसको लगा के देखना, तो ये प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा, मैक्सिमम आपकी 99% तक आपकी जो है प्रॉब्लम यहाँ से ऑयल लीकेज की वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एक तरीके से। तो मैं भी अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप भी एक बार यूज़ करना, तो मैंने यहाँ पे लगा के देखी है, तो ये 100% या 99% तक ये सॉल्व कर देगी आपकी इस क्वेरी को, ठीक है। तो ये था, मैंने काफ़ी कुछ सर्च भी किया वीडियोस यूट्यूब पर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो फाइनली एक आई होप जो जिनको सोल्यूशन नहीं मिला उनके लिए अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ये ट्यूब का नाम देख लो, एनाबॉन्ड 660 मैक्स, और इसका मैं प्राइस बताता हूँ आपको, सिर्फ ये है 45 रुपीज़ की, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बॉक्स में लिखा था, इसमें नहीं लिखा कहीं पर। तो ये आपको बजाज के शोरूम से मिल जाएगी, 45 या 40 रुपीज़ समथिंग के अराउंड की है ये, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देनी है बिल्कुल एकदम कॉर्नर्स में इसके, ठीक है। और मेन पॉइंट, इसको आपको पूरी रात ऐसे ही अपनी बाइक को रखना, उसके बाद आप बाइक स्टार्ट मत करना, उसको कहीं लेके मत जाना, मतलब ओवरनाइट आपको ऐसे ही रखना है, उसके बाद आपको प्रॉपर पूरा अपना ब्लैक गार्ड लगा के आप अपनी राइड जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे अगर आपको मॉर्निंग राइड पर जाना है कहीं किसी और में, तो उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है, या ऑफिस जाना है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन है जी इस चीज़ का, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटेड लगी होगी। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना उन बाइकर्स के साथ, या 200 जो ओनर NS के जो ऑनर्स हैं 200 NS के, उनको आप शेयर कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल मिल सकती है ये वाली वीडियो, हो सकती है उनके लिए काफ़ी, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइज़ यही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसी ही और वीडियोस के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेके आता रहूँगा वीडियो में,
चाहे मैं वीडियो